How to fix Vivo Y19 overheating problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तिकिराज यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो वीवो का फ़ोन है उसमें ओवरहीटिंग का इश्यू से ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम से तो ऐसा क्यों हो रहा है और कैसे करके जो है प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस वीडियो पर हम थोड़े से यहाँ पर डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ मैं आपको कुछ सॉल्यूशंस दूंगा जिसको आप फॉलो करके ओवरहीटिंग का जो भी इश्यूज़ है उनको फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि दोस्तों आपको भी ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को अंत तक देख सकते हैं और वीडियो शुरू करने से पहले जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, सारे साथ दोस्तों बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट जो है वो मिलते रहे। यदि आप ऑनलाइन से पैसा कमाना चाहते हैं तो उसके लिए हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे रखा है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहाँ पर जल्दी से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए वो जानना बहुत ही ज़रूरी है जब हम यहाँ पर ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं अपने फ़ोन पे। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ओवरहीटिंग जो है वो होता क्यों क्यों है, तो आइए थोड़ा सा यहाँ पर ये सब जान लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारा एप्लीकेशंस को जो है ऑन करके यूज़ करें। ठीक है, फ़िलहाल तो दोस्तों यहाँ पर ज़्यादा मैं यूज़ नहीं कर रहा हूँ अभी एप्लीकेशंस। तो आप दोस्तों यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशन जो है यूज़ कर रखा है, सारे सर आपका जो यहाँ पर वाईफाई कनेक्शन, डेटा कनेक्शन, ब्लूटूथ कनेक्शन, ठीक है, सब कुछ आपने ऑन किया हुआ है, हॉटस्पॉट, लोकेशन, तो वो सब से दोस्तों आपका जो फ़ोन है ओवर हीटेड हो जाते हैं। ठीक है, और इसी के थ्रू जो है दोस्तों ओवर हीटिंग का प्रॉब्लम फेस करते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये सब रीजंस होते हैं दोस्तों ओवरहीटिंग का। और आप दोस्तों जब भी चार्जिंग करते करते फ़ोन को यूज़ कर लेते हैं तो उस वक्त भी दोस्तों ओवरहीटिंग का इश्यूज़ सामने आते हैं। ठीक है, तो आपको ये सब नहीं करना है। सबसे पहले तो जाके दोस्तों आपको यहाँ पर जो ज़रूरत है उसी को ऑन करें। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर 4G नेटवर्क, 4G नेटवर्क भी दोस्तों यहाँ पर ओवरहीटिंग का इशू दे सकते हैं कभी कभी, क्योंकि दोस्तों 4G का जो स्पीड है वो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, उसके वजह से भी होते हैं, तो ये सब आपको ध्यान पे रखना है। तो आप दोस्तों यहाँ पर वाईफाई, ब्लूटूथ, ठीक है, ये सब काम के नहीं है अभी, लोकेशन अभी काम का नहीं है, बंद कर दीजिए, हॉटस्पॉट काम का नहीं है, बंद कर दीजिए। ठीक है, तो ये सब करने के बाद दोस्तों आपका जो यहाँ पर रिसेंट बटन है उसमें क्लिक करें, जितने भी एप्लीकेशन आपने ऑन कर रखा है उनको क्लोज करें। ठीक है, यदि यूजर्स पे नहीं है तो क्लोज वगैरह करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना चाहिए, आप मोबाइल को एक बार स्विच ऑफ कर दीजिए। ठीक है, स्विच ऑफ करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा जो है आपका फ़ोन यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा तो आपका ओवरहीटिंग का इश्यू जो है वो भी फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो आपको ये सब ध्यान पे रखना है। सारे साथ फ़ोन को चार्ज करते करते गेमिंग आप करते हैं तो भी ओवरहीटिंग का इशू आ जाता है, तो आपको ऐसा नहीं करना है बिल्कुल भी। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको जो है ध्यान पर रखना होगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना चाहिए, ठीक है, आपका जो मोबाइल का सॉफ्टवेयर है उसको आप जो है हमेशा अपडेट करके यूज़ करें। ठीक है, सिस्टम अपडेट पर आप जाओगे तो सॉफ्टवेयर अपडेट का ऑप्शन मिल जाएगा, जाके सॉफ्टवेयर को अपडेट जरूर करें। तो सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट करके यूज़ करने से कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। ठीक है, तो ये सब दोस्तों ओवरहीटिंग का इश्यूज़ का प्रॉब्लम्स रीजन्स है और यही दोस्तों सॉल्यूशंस भी, आपको ये सब नहीं करना चाहिए। और मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई है ऊपर में, ठीक है, जो चीज़ यहाँ पर दोस्तों काम करनी है उसको बंद करें। और दोस्तों चेक कीजिए आपके फ़ोन पे कोई बैड एप्लीकेशंस है या नहीं है, कोई बैड एप्लीकेशंस है तो उनको जो है अनइंस्टॉल करें। बैड एप्लीकेशंस दोस्तों वो होते हैं जो प्ले स्टोर के बाहर से आप जो है डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, ठीक है, तो उनको आप जो है अनइंस्टॉल करें और इसी के साथ आपका जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम्स वगैरह है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो है आपको ध्यान पे रखना है। और साथ ही साथ दोस्तों गेमिंग करते वक्त यदि आपका फ़ोन जो है काफ़ी ज़्यादा ओवरहीटेड कर रहा है, ठीक है, तो दोस्तों आप एक बार टेक्नीशियन के पास जाके भी चेक करवा सकते हैं। तो साथ ही साथ दोस्तों आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप गेमिंग ज़्यादा लंबा ना करें, ठीक है, क्योंकि दोस्तों वीवो का सभी फ़ोन जो है उसमें गेमिंग हम ज़्यादा लंबे समय के लिए नहीं कर सकते, ये बात आपको ध्यान पर रखना होगा। तो ये सब आप जो है दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए और आपका जो ओवरहीटिंग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कीजिए। तो आज की इस वीडियो पर दोस्तों बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।